हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल लिव लाइव विथ वंदना में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये DIY एक होली स्पेशल DIY है। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही खूबसूरत 4 मटकी डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ, और इस तरह से मटकी डेकोरेट करके आप इसे होली पर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस DIY को बनाने के लिए मेरे पास इस तरह की 4 छोटी छोटी मटकियां हैं, जिसको मैंने पहले ही वाइट पेंट से पेंट कर लिया है। अब हम इसे कलर करेंगे, तो यहाँ पर कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पेंट करने के लिए डिफरेंट कलर का यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाने वाली हूँ। मैं इन मटकियों को फेस्टिवल्स के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर के साथ भी पेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब कभी भी किसी भी DIY को ट्राई करते हैं, तो उसके कलर कॉम्बिनेशन और उसके डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और अपने क्रिएटिविटी के अनुसार इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी 4 मटकी पेंट हो गई है, तो अब हम इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। मैं इसकी डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर एक्रिलिक पेंट की हेल्प से भी आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इस मटकी को अलग अलग तरीके से डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोन लाइनर का यूज़ करके इसकी डिज़ाइन को बना ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे इसी तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, और इन सभी क्राफ्ट को मैं कम से कम बजट में बनाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए आपको कोई भी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फ्री हैंड इजीली बना सकते हैं। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो, आप उस डिज़ाइन को इस पे बना सकते हैं। और जब भी आप कोन लाइनर की हेल्प से कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो डिज़ाइन बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं यहाँ पर जितने भी कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ, ये सभी होममेड है, और आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इन सभी मटकियों को डेकोरेट करके इसे होली पर वेलकम थाल को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आपके पास इस तरह की मटकियाँ ना हो, तो आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर के लीड को डेकोरेट करके भी उसे होली पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें अलग अलग डिज़ाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसमें कुछ मिरर स्टिक करूँगी। किसी चीज़ को भी डेकोरेट करने के लिए आप अगर मिरर का यूज़ करते हैं, तो वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं लास्ट में शेयर करूँगी कि इस मटकी को हम होली पर किस तरह से डेकोरेट करें।
तो कुछ इस तरह से मैं चारों मटकी को तैयार कर लूँगी और इस मटकी को आप अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग तरीके से डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन मटकियों को डेकोरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको होली के लिए डेकोरेट कर रही हूँ, तो हम किसी भी ट्रे या थाल में कुछ फ्लावर्स इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। आपके पास अगर फ्लावर्स ना हो तो आप यहाँ पर होली के कलर को भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इन चारों मटकियों में चार डिफरेंट कलर को फिल कर ली हूँ और उसे इस थाल में इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी। अब मैं इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसके बीच में एक कैंडल रख ले रही हूँ ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से हमारा ये होली के लिए वेलकम थाल बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह से वेलकम थाल तैयार करके अपने सेंटर टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और फेस्टिवल्स को इन्जॉय कीजिए।